सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ब्लैक लुंग को कैसे हराए हैं। चलिए मैं डिटेल में आपको बताता हूँ किस तरह हम लोग ब्लैक लुंग को हरा सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि पहला अटेम्प्ट आप ले लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके मूव्स कैसे हैं, ताकि आपको डॉच करने में आसानी हो। और गाइस, आपको अपना क्लोन वाला पहले से मैक्स करके रखना होगा। एबिलिटी रहती है क्लोन वाली, जिसमें हम लोग अपने क्लोन्स बना सकते हैं, जिसको आप मैक्स कर देना पहले से ही अपने स्पार्क्स की मदद से। और गाइस, यही इन्वेंटरीज में आप लोग सेम इक्विपमेंट रखना और इन्वेंटरी में आके अपना ये स्टाफ बूस्ट देना, जिसमें हिट इफेक्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो ड्रिंक पीने के बाद हम लोग अपने पूरे स्टाफ को चार्ज करते हुए उसके ऊपर रश करेंगे। ठीक है, आप देखिए अब क्या होगा। और ये बूम गाइस, इसी तरह से उसको पहला डैमेज हम दे देंगे, फिर इमोबिलाइज करेंगे और जितना डैमेज दे सके दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना क्लोन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्लोन बनाया यहाँ पे और फिर क्लोन अपना डैमेज देंगे। ये अपना पावर मूव खत्म कर देगा, फिर उसके बाद हम लोग रश करेंगे। और फिर उसके बाद तब तक ये अपने छोटे छोटे मूव्स कर रहा था, तब हम लोग जितना क्लोन्स की मदद से डैमेज दे सकते हैं अंधा पुश करके एकदम डैमेज दे देंगे, ताकि इसके सारे मूव्स ब्लॉक करते हुए हम लोग क्लोन की मदद से जितना मैक्सिमम डैमेज दे दे दें। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस, इसके एक ये दो मूव्स है, एक ये मूव्स है, ये इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको स्पिरिट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। फोर नंबर हम मेरे बटन में फोर है, तो आपका जो भी बटन है फोर दबा के स्पिरिट में कन्वर्ट होना, क्योंकि स्पिरिट में अलग हेल्थ होती है, तो वो मर भी गया तो कोई इश्यू नहीं होगा और वो डॉज करने में भी उसके लिए आसान रहता है। और गाइस, बाई चांस का मूव तब तक खत्म हो गया, अपनी स्पिरिट की एबिलिटीज बची है, तो हम लोग जितना हो सके स्पिरिट की मदद से उसको डैमेज दे देंगे। और उसके बाद हम लोग अभी वो छोटे छोटे मूव करेगा तो उसको डॉच करते हुए हम लोग उसको डैमेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी मैं जैसे छोटे छोटे मूव कर रहा है, मैं उसको डॉच करके वो करूंगा। और बीच में हम लोग अपना एक और स्पिरिट का इस्तेमाल करके उससे भी डैमेज दे देंगे, ताकि उसको जितना डैमेज हो सके हम लोग दे दें और आखिर में कुछ ज़्यादा हम लोग के पास वो ना माना नहीं बचेगा, तो हम लोग को छोटे छोटे अटैक करके अपना करना पड़ेगा। गाइस, ये सेकंड अटेम्प्ट भी पक्का लेगा अपने मुंह से। जैसे ये लाइटनिंग निकालता है, समझ जाइए कि हैमर पटक पटक के लाइटनिंग फेंकने वाला है। तो आप क्या करना, पहले अटेम्प्ट में स्पिरिट बन जाना, सेकंड अटेम्प्ट में कोई पत्थर पर चढ़ जाना, ताकि आपको स्पार्क्स लगे ना। और ठीक है, वेट करना है कि ये जैसे स्पार्क कंप्लीट कर दे, तो मेरे पास अभी कुछ एबिलिटीज नहीं है, तो मैंने अपने स्टाफ्स को चार्ज कर दिया, अभी मैं स्टाफ से इसको डैमेज दूंगा। देखिए मैं पूरा वेट कर रहा हूँ कि अपना पूरा मूव खत्म कर दे, ताकि ये एक सेकंड या दो सेकंड का गैप ले, जिसमें मैं इसको आकर डैमेज दे सकूँ। और ये देखो बूम, ये दिया आपने इसको डैमेज, और फिर उसके बाद हम लोग रश कर दिया, ताकि दो सेकंड का गैप ले ही लेता है, और फिर उसमें रश करेंगे डॉच करते हुए, इसको फुल डैमेज देंगे हम लोग, क्योंकि अभी छोटे मूव करेगा तो उसमें हम लोग डैमेज दे सकते हैं इसको। और फिर अभी लास्ट एक्सपी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि फुल रश कर देता हूँ, मेरे पास बहुत हेल्थ है, तो मैं इसको फुल फिनिशिंग, मैंने सोचा कि लास्ट एक्सपी बचे तो इसको एबिलिटी के साथ मारते हैं। चार्ज के एबिलिटी मेरी चार्ज हो चुकी थी, तो लेट्स बूम, एंड दिस इज हाउ वी डिफीट ब्लैक लुंग। इसको इस तरह हम लोग हरा सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आगे भी नए नए बॉसेस को आपको हराने का तरीका जानने, तो आप मेरे को DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आप इसके बाद कमेंट्स में टाइप भी कर सकते हो कि किस बॉस का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, बाय बाय।